हेलो एवरीवन, एसएसआरएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस क्या होती हैं और इनको हम कैसे जो है वो बना सकते हैं या कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एसएसआरएस रिपोर्ट पे, वो जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो चार्ट वाले वीडियो के कॉन्टिन्यूएशन में है, तो आप वीडियो नंबर 37 जो है वो ज़रूर से देख लें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था। तो स्पार्क लाइन भी चार्ट का ही एक टाइप होता है, तो इसमें चार्ट की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो यूज होंगी। और उसके बाद में वीडियो नंबर 42 जिसमें कि हम लोगों ने डेटा बार पढ़ा था, ठीक है, उसको भी आप देख लें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि डेटा बार और स्पार्क लाइंस में जो है वो क्या डिफरेंस है और क्या सिनेरियोज हैं जहाँ पर आप जो है वो डेटा बार यूज कर सकते हो और कहाँ पर आप जो है वो स्पार्क लाइंस जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्पार्क लाइंस क्या होता है, स्पार्क लाइन भी जो है वो भी डेटा बार की तरह क्या होता है, विजुअल एलिमेंट होता है जो आपके डेटा को एक विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करवाता है। आपको डेटा का जो है वो ट्रेंड चेक करना है या फिर उसका जो है स्पाइक ऊपर अप डाउन जो भी है उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाता है स्पार्क लाइन। तो ये भी एक विजुअल एलिमेंट है और इसको भी आप अपनी टेबलिक्स या मैट्रिक्स में कहीं पे भी जो है वो एम्बेड कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से और इसको यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और समझते हैं कि कैसे जो है हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम विजुअल स्टूडियो पे आ गए हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक रिपोर्ट जो है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, और उस रिपोर्ट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट ऐड कर लेता हूँ और इस रिपोर्ट का नाम जो है वो आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसको रिपोर्ट 6 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और रिपोर्ट 6 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डेटा सोर्स ऐड कर लेना है, ठीक है, यूजुअल टास्क है, हम लोग हमेशा ही करते हैं। तो डेटा सोर्स ले लिया मैंने एडवेंचर वर्क्स, इसका नाम मैं कॉपी करता हूँ हमेशा और यहाँ पर चिपका देता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपको पता रहे कि आपने कहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद डेटा सेट की बात कर लेते हैं, तो डेटा सेट जो है वो मैंने यहाँ पे इसके लिए क्वेरी रेडी करके रखी हुई है, ठीक है। तो क्या क्वेरी है इसकी, देखिए ये जो है वो क्वेरी है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर जो है हम मंथ का नेम जो है वो निकाल रहे हैं और इसमें ईयर के साथ इसको कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कोड है ये क्या कर रहा है, ये ऑर्डर डेट से मंथ का जो शॉर्ट नेम है, ठीक है, जैसे FAB JN, ठीक है, ये लेके आ रहा है और उसके बाद यहाँ से आपको जो है वो ईयर मिल रहा है और दोनों को कॉन्कैटिनेट करके हम मंथ ईयर का कॉलम जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद में सेल्स पर्सन ID हम ऐसे ही ले रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं सब टोटल का, ठीक है। तो ये क्वेरी जो है वो लास्ट वीडियो जो हमने किया था डेटा बार वाला बिल्कुल वैसे ही, बस यहाँ पर ये पार्ट जो मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हम इसको जो है स्पार्क लाइन में यूज करेंगे। और ये क्यों चेंज किया है ये आपको जो है वो हम जब डिस्कस करेंगे, जब बनाएंगे अभी स्पार्क लाइन रिपोर्ट, तब आपको जो है समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और ये क्वेरी जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, अब क्या करते हैं डेटा सेट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटा सेट क्रिएट करने का तरीका आपको पता ही है, डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है अपना कोड पेस्ट कर देना है। और यहाँ से फिर से मैं जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के साथ इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो हमको बता रहे कि कौन सा डेटा सेट हमने जो है वो बनाया है, ठीक है। तो हमारा डेटा जो है वो रेडी हो गया है, ठीक है। हर रिपोर्ट के लिए आपको डेटा रेडी करना ही पड़ता है, ठीक है, अपनी नीड के हिसाब से। जब चार्ट बना रहे होते हैं तो डेटा आपको चार्ट के अकॉर्डिंग रेडी करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने क्वेरी में जो है वो ट्विक किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं एक टेबल, ठीक है, और टेबल इंसर्ट करने के साथ ही साथ हम इसमें ये टास्क जो कर देते हैं ताकि हमारा ग्रुप बन पाए, ठीक है। तो इस बार जो हम ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप हम बनाएंगे सेल्स पर्सन ID के हिसाब से, ठीक है। तो सेल्स पर्सन ID के हिसाब से हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके, हेडर फुटर क्रिएट नहीं करते हैं क्योंकि हमको बाद में डिलीट ही करना पड़ता है उनको, ठीक है। अब इसको प्रीव्यू कर लेते हैं एक बार, तो आपको आइडिया लगे कि हम जो भी टास्क कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी जो बहुत सारी जो है एम्प्टी रो आ रही हैं और ये एम्प्टी रो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अभी हमारे पास डिटेल्स का सेक्शन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो डेटा एग्रीगेट करके उस पर स्पार्क लाइन बनाएंगे, तो हमको डिटेल्स नहीं चाहिए हैं, ठीक है। तो हम डिटेल्स डिलीट कर रहे हैं, क्यों तो डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि हमको डिटेल्स रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे और डिटेल्स का वाला जो ग्रुप है उसको डिलीट कर देंगे और इसको डिलीट ग्रुप ओनली, सिर्फ ग्रुप डिलीट करेंगे, उसकी रोज जो है वो डिलीट नहीं करेंगे हम, ठीक है। तो अब जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपकी जो ये वाली जो फालतू रो थी वो डिलीट हो गई हैं और आपका जो ग्रुप था वो बन के आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो डिटेल्स वाला जो सेक्शन था हमने हटा दिया, अब जितने भी आपके पास सेल्स पर्सन ID हैं उनका ग्रुप बन गया है फ्रीक्वेंसी लेटर में 74, 75, 76, 78 अप टू 290, ठीक है। तो आपका ये ग्रुप बन गया है। अब हमें इस ग्रुप में क्या करना है, इस ग्रुप में हमें एक तो टोटल लगाना है, ठीक है,
तो टोटल जो है हम लगा देते हैं तो हमारा जो है यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो अब जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टोटल भी दिखेगा, ठीक है। अब टोटल के बाद आपको अगला काम क्या करना है, अगला आपको यहाँ पे स्पार्क लाइन जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो इसको अगर ऐड करने से पहले आप इसके एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद में मैं इसको जो है वो फॉर्मेट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसका डेटा टाइप वगैरह जो है, सॉरी डेटा टाइप नहीं, इसका जो फॉन्ट साइज वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद में इसको बोल्ड इटैलिक जो भी करना है वो कर सकते हो, इसका कलर वगैरह जो है चेंज कर सकते हो। ये तो आपको करना ही पड़ता है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो वो नीड के हिसाब से आप जो है वो सही कर सकते हो। उसके बाद इसमें जो है हम खाली इसकी फॉन्ट फैमिली को अपडेट कर देंगे, बाकी हमें इसमें कुछ नहीं करना है, और इसको ला देते हैं सेंटर में, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखोगे तो थोड़ा सा विजुअल आपका जो है वो सही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्पार्क लाइन जो है वो ऐड करना है। तो जैसे हमने डेटा बार ऐड किया था वैसे ही हमें जो है यहाँ पे स्पार्क लाइन ऐड करना पड़ेगा। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलता है स्पार्क लाइन, ठीक है। तो स्पार्क लाइन जो है आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद में बाकी ऑप्शन जो है डिस्कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पार्क लाइन कॉलम टाइप का हम ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको जो कर देते हैं ओके, ठीक है। तो आपका स्पार्क लाइन यहाँ पे आ गया है। अब ये भी एक चार्ट का टाइप होता है तो इसको आपको कन्फिगर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट वाला जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको कन्फिगर कर दो। यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल दिखाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सीरीज है वो आपको बनानी है मंथ और ईयर के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि सेल्स पर्सन आईडी हमने यहाँ पे ले लिया है तो ये हमारा इधर ग्रुप बनेगा और हमारा मंथ और ईयर का ग्रुप इधर बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा उसको जो है हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर जब आप प्रीव्यू करोगे तो ये आपका जो है इस तरह से बन गया है, काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है ये, बट अभी आपको थोड़ा काम करना यहाँ पे बाकी है, तो यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन था वो रेडी हो गया है, इसको आपको विजुअली फिट करना है तो इसको फिट करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस जो है इधर दे देता हूँ, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, जैसा डेटा रहेगा, जितना ज़्यादा डेटा रहेगा उसके हिसाब से इसकी जो है संख्या बढ़ जाती है, तो वो कंजेशन लगता है, तो आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि किस सिनेरियो में आप इसको यूज कर सकते हो। मैंने थोड़ा स्पेस दे दिया इसको। अब उसके बाद में जब आप इसको देखोगे तो आपको थोड़ा सा जो है विजुअली करेक्ट दिखेगा, बट अभी आपको यहाँ पे ग्रांड टोटल दिख रहा है, बट आपको जो है मंथ और ईयर के हिसाब से यहाँ पे कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो एक तरीका आपका जो हम लोग जानते हैं क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके डेटा लेवल शो करा सकते हो, ठीक है। जब डेटा लेवल आप शो कराओगे तो क्या होगा, आपका डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और काफ़ी जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एकदम से कंजेस्टेड सा हो गया, इतने सारे नंबर हैं कि देख के पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ किसका क्या है, ठीक है। तो डेटा लेवल शो करा सकते हो आप, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो शो कराने का सिनेरियो जो है आपका करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सिनेरियो करेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और डेटा लेवल को कहेंगे बाय बाय, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास एक और टेक्निक है, उसको हम बोलते हैं टूल टिप, ठीक है। तो टूल टिप को कहेंगे कि आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो टूल टिप जो हमारा है वो वहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में जब आप प्रीव्यू करोगे और उसके बाद में जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है नंबर दिखेगा, ठीक है। जो भी आपको नंबर है वो आपको दिखेगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको जो है वो पता नहीं चल रहा है कि इसका मंथ और ईयर क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है कि जब आप टूल टिप लगाते हो तो टूल टिप को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, और कस्टमाइज कैसे करते हैं, जब आप टूल टिप पे आते हैं यहाँ पे फंक्शन को जो है एक्सप्लोर करते हैं तो यहाँ पे टूल टिप जो है आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए है मंथ और ईयर, ठीक है। तो मंथ और ईयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसको आपको कॉन्केटिनेट करना है। तो डेटा सेट में जाने के बाद आप यहाँ पे फील्ड्स में जाएंगे और मंथ ईयर पे डबल क्लिक कर देंगे और दोनों को जो है वो आपस में कॉन्केटिनेट कर देंगे। और उसके साथ ही साथ एक चीज़ और कॉन्केटिनेट कर देते हैं जिसका कि नाम है सेमी कॉलन, दोनों के बीच में फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। इसको हमने कॉन्केटिनेट कर दिया है। अब इसको जब आप ओके करोगे और इसको भी ओके करोगे और उसके बाद में जब आप इसको व्यू करोगे तो क्या होगा वो आपको पता ही क्या होगा, ठीक है। ये लोड होने के बाद अभी देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप होवर ओवर करोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि अप्रैल 2012 के लिए जो है कितना डेटा आपके पास है, और यहाँ पर देखो क्या है कि दोनों के बीच में स्पेस नहीं आ रहा, सेमी कॉलन एकदम से दोनों के बीच में दब गया है। तो क्या करते हैं इसका, इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लाते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी, एक बार जब आप प्रीव्यू करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ पर किसको बाहर निकालना है और किसको दबाना है, तो वो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसको कर देते हैं ओके, और ओके करने के बाद इसको कर देते हैं फिर से प्रीव्यू। मतलब आपको पता है कि क्या चेंजेज हुए हैं, बट फिर भी मैं प्रीव्यू कर देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे प्रीव्यू नहीं करके दिखाया, ठीक है। तो प्रीव्यू हो गया यहाँ पे, उसके बाद में अभी ये देखो एकदम सही से दिख रहा है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है वो कंडीशनल कलरिंग कर सकते हो, जैसे हमने डेटा बार में की थी कि अगर आपका डेटा जो है वो सर्टेन अमाउंट से कम है तो उसका कलर डिफरेंट हो, सर्टेन अमाउंट
के बीच में है तो कलर डिफरेंट हो, और सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा है तो कलर डिफरेंट हो, तो ये आप कर सकते हो। फिर भी मैं जो है करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सीरीज प्रॉपर्टीज पे जाना है। सीरीज प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद में आपको जो है फिल सेक्शन में जाना है, और फिल सेक्शन में आपको फंक्शन जो है एक्सप्लोर करना है, और फंक्शन पे आपको यहाँ पे कलर लगाना है। ठीक है, तो कलर लगाने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू साइन डालना है, और उसके बाद में IIF लगाना है, क्योंकि हम कंडीशनल कलरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका जो टोटल है, ठीक है, टोटल अगर आपका 50,000 से कम है, ठीक है, अब ये फिगर जो है आपका बदल गया है, तो 50,000 से कम है तो आप इसको जो है वो रेड कलर दे दोगे। ठीक है, अगर आपका जो टोटल है, फिर से एक IIF लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे निश्चित फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर आपका जो टोटल है वो आपका 50,000 से ज़्यादा है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि फंक्शन हमको अच्छे समझ में आ जाए। तो टोटल जो है वो आपका 50,000 से ज़्यादा है, एंड एट द सेम टाइम जो टोटल आपका है वो 1,00,000 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा और 1,00,000 से कम। ठीक है, तो इसको बना दिया 1,00,000। तो इसको जो है वो आप ऑरेंज कलर दे सकते हो, मतलब कलर आप दे सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं बस मतलब ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, और अगर ये 1,00,000 से ऊपर की कंडीशन हमारी बचती है, अगर 1,00,000 से ऊपर है तो जो है वो ग्रीन दे दो इसको। ठीक है, और उसके बाद पहला वाला IIF बंद करो, और फिर दूसरे वाला IIF बंद करो, और इसको कर दो ओके, और इसको भी ओके कर दो। और अब जब आप प्रीव्यू करोगे यहाँ पे, तो आपको जो है वो डेटा दिखेगा कंडीशनल कलरिंग के हिसाब से। ठीक है, तो ये जो डेटा है वो आपका जो है वो 50,000 से कम है। ठीक है, उसके बाद में ये डेटा जो है वो आपका 50,000 से 1,00,000 के बीच में है, नहीं है ना, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, तो इसको चल के देख के आते हैं, यहाँ पर चलते हैं और इसको जो है फिर से देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ है। फिल कलर में जाएंगे, एक्सप्रेशन में जाएंगे, और उसके बाद अगर ये वैल्यू 50,000 से कम है तो रेड कलर, 50,000 से ज़्यादा और 1,00,000 से कम, देखो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, 50,000 से ज़्यादा और 1,00,000 से कम, इसीलिए वहाँ पे जो है वो गड़बड़ दिखा रहा था। वो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कंडीशन जो है लगा रहे कुछ और, काम कर रहा कुछ और, तो 1,00,000 यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। ये हो गया 1,00,000। ठीक है, तो 50,000 से ज़्यादा और 1,00,000 से कम, आपको फार्मूला जो है अपना चेक करना पड़ेगा। तो इसको कर देते हैं ओके, और इसको भी कर देते हैं ओके, और फिर से एक बार जो है वो ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका रेड हो गया है, और उसके बाद में ये जो है वो, इसको क्या प्रॉब्लम है, फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा, लग रहा है इसको क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पर आने के बाद इसको हम फिल कलर को फिर से देख लेते हैं, इसने तो परेशान कर दिया। तो अगर ये 50,000 से कम है तो रेड कर दो इसको, अगर 50,000 से ज़्यादा है और 1,00,000 से कम है तो ऑरेंज, अदरवाइज ग्रीन। हाँ तो ठीक तो है, इसको क्या प्रॉब्लम है, लेस देन 50,000 देन रेड, इफ ग्रेटर देन 50,000 एंड लेस देन 1,00,000 देन ऑरेंज, अदरवाइज ग्रीन। हाँ तो सब तो ठीक लग रहा है, ठीक है, समझते हैं जरा एक बार, इसको भी समझ के देख लेते हैं कि यहीं पे तो नहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये लेस देन 50,000 है, दिस इज रेड, और अच्छा ये भी रेड ही है, हम लोग इसको देख ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो भी रेड ही है, मतलब अपने में ही कन्फ्यूज है हम लोग। तो क्या है कि ये भी रेड है और ये भी रेड है, जो ऑरेंज है दैट इज अबव 50,000। ठीक है, तो ये जो कलर यहाँ पे दिख रहा है ये ऑरेंज नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस हो रही है। ठीक है, कोई नहीं, तो हमारा जो फंक्शन है वो सही लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये रेड है और ये भी रेड है, क्योंकि 50,000 से कम है, और ये भी जो है आपका वो 50,000 से कम है, सॉरी ये 50,000 से ज़्यादा है, और ये जो है वो आपका 1,00,000 से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको 1,00,000 से ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये वाला बंदा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है बट आप देख सकते हो, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो यहाँ से आप देख के जो है आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आइडिया लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो बॉर्डर है आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो बॉर्डर अगर आप चाहो तो बॉर्डर डाल सकते हो,
उसमें भी कोई चैलेंज नहीं है। आप यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद में आपको जो है वो सीरीज में जाना है, और सीरीज में जाने के बाद आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है, और उसके बाद में हम सीरीज का बॉर्डर देख रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स का बॉर्डर, ठीक है। हाँ, इसका तो चार्ट प्रॉपर्टीज में जाना है। चार्ट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद चार्ट प्रॉपर्टीज इधर ओपन हो गई है सेकेंडरी स्क्रीन पे, इनको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो चार्ट प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप बॉर्डर में जाओगे, और बॉर्डर में जाने के बाद ग्रे कलर लेके आपको यहाँ पे बॉर्डर लगा देना है, तो आपका बॉर्डर आ जाएगा। कलर आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। ग्रे कलर आपके टेबल को मैच करेगा, ठीक है। तो इसको आप जब प्रीव्यू करोगे, तो प्रीव्यू करने के बाद आपका जो है वो बॉर्डर वहाँ पे प्रॉपरली विजिबल हो जाएगा, तो आपका बॉर्डर यहाँ पे दिख गया है, ठीक है। ऑल राइट, तो यहाँ पर हमने टूल टिप लगा दिया है, अल्टरनेट कलरिंग भी लगा दिया है, सारा कुछ कर दिया। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर जो है आप जब 85 पे 85 से शुरू करते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ पे 85 पे आओगे, तो 82, 83, 84, 85, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है मंथ वो दिसंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो तो आपका जो मंथ है वो अप्रैल है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका मंथ जो है वो अगस्त है, तो ये जो है अलाइन नहीं है, ठीक है। ये अप्रैल और दिसंबर एक जगह से शुरू हो रहे हैं, ये अलाइन नहीं है। तो जब ये अलाइन नहीं है, तो आपको क्या करना है, इनको अलाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप अलाइन करोगे, तो कैसे अलाइन करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है वो आपको राइट क्लिक करना है, और एक्सेस जो है आपको अलाइन करनी है। हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टली जो है वो एक्सपेंडेड है, तो हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस को जो है वो अलाइन करेंगे, ठीक है। और एक्सेस को जब आप अलाइन करोगे इस तरह से, तो आपको यहाँ पे टैबलिक्स अगर आपकी मल्टीपल हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस पर एक्सेस आप अलाइन करना चाहते हो। तो हमारे केस में सिंगल ही है, बट आपके केस में मल्टीपल हो सकता है, तो आप जो है वो यहाँ पे मल्टीपल में से जो जिस पे भी लगाना है, उस पर आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हमको मार्जिन वगैरह कुछ देना नहीं है, इंटरवल इंटरवल सब कुछ ऑटो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। अब ओके करने के बाद जब आप प्रीव्यू करोगे, तो आपको यहाँ पे कुछ जो है वो फंडामेंटल डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या दिखेगा, यहाँ पर जो है देखो आपका अप्रैल है, ये भी आपका जो है वो अप्रैल है, ये भी आपका अप्रैल है, ये भी आपका अप्रैल है, ठीक है। इस तरह से आपके जो है वो अलाइन हो गया मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये भी यहाँ पे जो है अप्रैल है, यहाँ भी आपका अप्रैल है, ठीक है। ऐसे देखते चले जाओगे। जब आप पहुँचोगे दूसरे पेज पे, ठीक है, जहाँ पर आपको दिखेगा ये देखो ये आपका अप्रैल है, उसके बाद में यहाँ पर जब आप आओगे, तो ये भी आपका अप्रैल है, और यहाँ पर आपके पास अप्रैल का कोई डेटा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर दिसंबर है, तो उसने क्या किया, ये जगह खाली छोड़ दी, अलाइन कर दिया। यहाँ पे भी दिसंबर है, यहाँ पे भी दिसंबर है, ठीक है। तो ये एक्सेस जो है आपने अलाइन कर दी, तो आप अलाइन कर दोगे तो अलाइनमेंट के आप हिसाब से आपको दिखेगा, ठीक है। इधर आप अगर आओगे तो आपको अगस्त दिखेगा, तो ये अलाइनमेंट आपका जो है वो हो जाता है। तो अलाइनमेंट हमने कैसे किया, हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद में हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे गए, और यहाँ पर हमने इसको चेक कर दिया, और उसके बाद में हमने अपना टैबलिक्स ले लिया। मेरे केस में एक ही टैबलिक्स है, आपके केस में मल्टीपल हो सकते हैं, तो जिस पर भी आपको अलाइनमेंट लगाना है, तो अलाइनमेंट लगा दोगे, और अलाइनमेंट से क्या होगा, जैसे कि अलाइनमेंट का नाम है, वो अलाइन कर देता है, तो आपका एक ही जो कॉलम जैसा बन जाएगा, तो उस पर अगर आप जाओगे, तो आपको एक ही मंथ का जो है वो डेटा दिखाई पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने जो है वो चेक किया था, ठीक है। जैसे आप यहाँ से शुरू करोगे, तो आपको दिसंबर दिख रहा है, तो अगर नीचे आओगे तो आपको दिसंबर दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है वो अलाइन हो गया है, और अगर आप दूसरे पेज पे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो अगस्त दिख रहा है, तो आपको जो है इधर से अगस्त दिखेगा, इधर भी आपको जो है वो अगस्त दिखेगा। तो इस तरह से आपका जो है वो अलाइन हो जाएगा डेटा। अब यहाँ पर जहाँ पर ये डेटा, मतलब जहाँ पे मंथ का डेटा नहीं है, वो जो है आपको वो दिखेगा ही नहीं, वो सीधा अलाइनमेंट के हिसाब से दिखाएगा, तो आप अलाइन भी इसको जो है वो कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप चाहो, तो इनको जो है चेंज कर सकते हैं, स्पार्क लाइन्स को यहाँ से सीधा। देखो अभी इसको चेक कर लेते हैं हम, इसको जो है हम ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब आप ले लोगे, तो क्या होगा, प्रीव्यू करके देख लेते हैं। आपकी स्पार्क लाइन जो है वो लाइन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप इसको ओवर ओवर करोगे, तो आपको डेटा प्रॉपरली जो है विजिबल होगा, और आपका जो है यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, जो भी आपने यहाँ पे रेडी किया है, वो आपका यहाँ पे दिखेगा। इसको आप चेंज कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। पर यहाँ पे ओवर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बट डेटा आपका दिखेगा, ओवर ओवर का इफेक्ट आपका रहेगा, जहाँ भी आप ओवर करोगे वहाँ पे दिखेगा, और आपको ट्रेंड भी कि कहाँ से कहाँ तक ग्रीन था, फिर उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक जो है वो रेड है, और कैसा ऑरेंज है, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड रहेंगी, कुछ भी जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसको चाहो तो चेंज करके जो है आप इसको ला सकते हो कॉन्टिन्यूस लाइन में, या फिर इस तरह की लाइन आप बना सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह से ये अलाइन हुआ है। अगर आप जो है एक्सेस की अलाइनमेंट हटा दोगे, ठीक है, अगर आप एक्सेस की अलाइनमेंट हटा दोगे, तो लाइन जो है आपकी कॉन्टिन्यूस वे में आपको दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि फिर उनको जो है अलाइन नहीं होना होता है, फिर वो कॉन्टिन्यूस हो जाती है, ठीक है। तो आपको जैसे भी ठीक लगे, अगर आपको जो है कॉन्टिन्यूस रखना है, ठीक
या आपको अलाइन करना है कि जहाँ पे जैसा डेटा हो मंथ के हिसाब से वैसा ही दिखे, तो एक्सेस को जो है वो आप कर सकते हो अलाइन, या फिर उसको जो है आप अनअलाइन भी कर सकते हो दोबारा से। और यहाँ पर जो है आप चेंज कर सकते हो स्पार्क लाइन टाइप, जिसमें भी आप चाहो उसमें भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपके नीड के हिसाब से जहाँ भी आप चाहो वहाँ पे आप जो है उसको चेंज कर सकते हो, वो आपको प्रॉपरली जो है वो विजिबल होगा। तो जो आपको चाहिए है उसको आप जो है वो रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है स्पार्क लाइन में होती है, डेटा आपको अपनी स्पार्क लाइन के हिसाब से रेडी करना पड़ता है। काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। और इसको इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर आपको कोई कंसर्न कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। किसी भी रिपोर्ट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्पार्क लाइन वाला वीडियो हमारा यहीं पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।